कॉल मैं समझता हूँ थोड़ा बेटर है यहाँ पे सोल। यहाँ पे सोल का क्लाइंट पहुंचा हुआ है दूसरी तरफ से, मॉर्टल अंदर जंपिंग करना चाहते हैं, AK-47 है उनके पास, AKM लेके अंदर जाएंगे मगर वहीं पे ANP खड़े हुए, मॉर्टल यहाँ से देखते हुए AKM उनके हाथ में, यहाँ पे स्पॉटेड रहेगा फ्रॉस्ट, यहाँ पे स्पॉटेड है एंड आई थिंक मॉर्टल यहाँ पे जंप एंड शूट करेगा और वो फ्रॉस्ट टीपी भी ले रहा है उसी सेम वाले रूम में, बड़ी समझदारी के साथ मॉल्टो फेंक रहा है यहाँ पे मॉर्टल, आई थिंक यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा एट द सेम टाइम फ्रॉस्ट एंड फॉर श्योर फिनिश हो जाएगा यहाँ पे जो मॉल्टो फेंका था सोल मॉर्टल ने एट द सेम टाइम। एक मॉर्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी कैपिटलाइजेशन देखने को मिली सोल की तरफ से, दोनों तरफ से घेर लिया वहाँ पे मॉलोटोव गिराया मगर यहाँ पे नोवा किंग भी फंस चुके हैं, मैं भी किंग ये भी किंग देख पाते अब यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट है सोल मॉर्टल वर्सेस ब्रॉलर की एंड क्लोज रेंज फाइट है, वाइपर भी आया पीछे से कवर फायर देने के लिए, वाइपर को नॉक करा, मॉर्टल भी आया पीछे से, मॉर्टल ने नॉक करा ब्रॉलर नोवा किंग को एंड एट द सेम टाइम आइकॉनिक और वो लोग कोई भी पास नहीं, वाइपर को फिनिश करके गया था वहाँ पे नोवा, तो दे आर थ्री प्लेयर किल स्टेटस गॉडलाइक ने दो करी है, ब्रॉलर्स ने एक, ऑफिशियल ने एक और साथ ही साथ सोल के पास दो और किल्स का जो जितने भी सारे दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें एक पॉइंट मिलेगा मगर स्मोकी ने यहाँ पे दिलजीत भाई को नॉकआउट कर दिया और ये दिक्कत हो सकती है दिलजीत भाई लोगों की दिलो जान धड़कन मगर निखिल भाई ने यहाँ पे गॉड किल को जो है हाइड्रा के उनको नॉकआउट करा है बट ये थोड़ी सी दिक्कत में आते हुए मगर अब सोल को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं मगर टाइगर भी बड़ी समझदारी के साथ चल रही है यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो चारों अलग अलग कंपाउंड में बैठे हुए हैं जैसे प्रिंस अपने पीछे वाले बंदों को देख रहा है जो ईस्ट और साउथ ईस्ट में है, टाइगर सयम इनके सामने INS का स्क्वाड था, अभी INDE का स्क्वाड था, पार्डन मी यहाँ पे जो एक पूरा स्काउट का स्क्वाड था सामने, एक रॉक पे बैठे हुए थे ये लोग, इनको पता है बट ये लोग देख रहे हैं कि पीछे से भी कौन सा स्क्वाड आ रहा है बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू गेट स्टेप बैक क्योंकि कोई भी मैच में आपको एक एंगल नहीं संभालना, मैंने पहले भी बोला था तीन या चार एंगल आपको देखने ही पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनल बहुत काफी ज्यादा गोलियां चलाते हुए G36C से मगर किसी को भी जो है नॉकआउट नहीं कर पाएंगे। और कान की बात करते हैं यहाँ पे, कान जो है इनके मेन असॉल्टर और स्नाइपर वो अब डाउन है क्योंकि एक मेरे ख्याल से स्नाइपर का हमेशा काम रहता है पूरी इन्फो कलेक्ट करके देना कि क्या हो रहा है वातावरण में, कहीं पे कोई पत्ता हिला, कोई हवा का झोंका आया, वो बिल्कुल पूरी खबर कदमों की पहल कदमी ये बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए, स्नाइपर का ये भी काम बड़ा जरूरी होता है, यहाँ पे कान को खोने लग रहे हैं लगता है। बट मेरे ख्याल से ये लोग ट्राई करेंगे उसको पाने की बिकॉज जैसे फर्स्ट मैच में भी फ्रॉस्ट को जैसे डार्क ने रिव करा था, इस वाले मैच में मेरे को लग रहा है एक प्लस तो अब ओके सामने से। और यहाँ पे INDE के क्रेटोस पूरी गोलियां चला रहे हैं मगर GEMT वहाँ पे डाकू सागर को नॉकआउट करते हुए UMP के साथ, बट ये सर्कल क्लोज इन होता जा रहा है लाइक Who's your ultimate winner? Let's take a guess and then we'll move forward. मेरे को लग रहा है यहाँ पे जिस हिसाब से टाइगर्स खेल रहे हैं यहाँ पे काल के मारेगा जरूर। और यहाँ पे अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा उनपे गोलियां चलाती हुई भीष्मा भाई, यहाँ पर LED ने अभी को कर दिया नॉकआउट, भीष्मा यहाँ पे देख रहे सारा का सारा और उनको कान दिख गए, कान पहली एक बार नॉकआउट हो चुके थे, अब दूसरी बारी अगर नॉकआउट होते तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि धीरे जल्दी जल्दी उनकी HP डिप्लीट होगी। और आशिक ने यहाँ पर जो है अपनी आशिकी दिखा रहे हैं अभी यहाँ पर नॉकआउट होते हुए, अलादीन नॉकआउट होते हुए लेट से और साथ ही साथ फाइनल बॉल जो है ईविल स्पाइक को नॉकआउट करेंगे मगर वही पे M24 से 8-bit टेड नॉकआउट होते हुए यहाँ पे शार्को को कर रहे हैं और यहाँ पे NTD गेमिंग के मैगजीन हर किसी के ऊपर गोलियां चलाते हुए डार्क के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और डार्क सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ब्रॉल के यहाँ पे जाते हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा अभी तक उमदा परफॉर्मेंस दिखाई थी तमीज में, बट यहाँ अब क्या लगता है केतन लाइक व्हाट्स द आउटकम किल फीड पे, यहाँ पे आइकॉनिक अकेला बंदा बचा हुआ था, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था 8-bit मैट ने आके एश की जान बचाई है एंड आइकॉनिक वहाँ पे फिनिश कर सकता था बट वहाँ पे जो एक होता ना प्लेयर S6 अगर आप उसके सामने जीते नहीं तो उसको नॉक भी नॉक करे फिनिश भी मत करो, गॉडल सिद्धू ने नॉक करा यहाँ पे वेक्टर, अभी भी वेक्टर चल रही है प्लेयर को नॉकआउट कर रहे हैं गेम में, अभी भी वेक्टर चल रही है लाइक एक बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है ये सबसे बड़ी एक आपने चीज बताई थी जब मेरे ख्याल से गेम शुरू होने के कि यहाँ पे SMG का काफी ज्यादा दबदबा रहता है मगर सिद्धू पाजी यहाँ पे हिटमैन को भी नॉकआउट करते हुए, सिद्धू पाजी किसी को नहीं छोड़ने वाले और यहाँ निंजा जो है आगे नॉकआउट करेंगे मगर यहाँ रौनक को हम देख रहे भागते हुए UMP के साथ मगर किल फीड में NTD गेमिंग वाइड राइजर को भी यहाँ पे 8-bit राइजर भी नॉकआउट होते हुए और हाइड्रा के भीष्मा यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चलाने के साथ आगे जाते हुए भीष्मा को फाइनली जो है नॉकआउट करने में कामयाब रहेंगे बट धीरे धीरे करके हम आई मैजिक को भी खो रहे हैं और स्मोकी वो भी वहाँ पे नॉकआउट होते हुए बीच में यहाँ पे गोलियां चला रहे हैं मगर किसी को पकड़ने में नाकामयाब नहीं हो रहे, नाकामयाब हो रहे बार बार, जिसको पकड़ते हैं वो उसकी किल नहीं मिल रही, वो कोई और किल चुरा के जा रहा है और परितोष यहाँ पे कार्टून को नॉकआउट करते हुए
ओके सो यहाँ पे पेन आशिक यहाँ पे अकेला बंदा बैठा होता स्मोक में, भीष्मा यहाँ पे बहुत देर से यूएमपी और 4x चला रहे, मैं ये देख रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम जोकर यहाँ पे आराम से चल मार रहे हैं बिकॉज हाइड्रा चार्ज कर रहे हैं, तो एक बंदा होना चाहिए जो पीछे बैठ के अपनी एक टीम होल्ड करे पूरी। एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे इविल बिग फैलास पूरी, एंड टाइगर अपना कंपाउंड छोड़ के जोन में जाने की कोशिश करेगी। टाइगर प्रिंस ने यहाँ पे एक क्रॉस एयर ट्राई करा कि शायद बुलेट लग के नॉक हो जाए, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव इन टू द जोन। कैरी ऑलरेडी है ऊपर जोन में, मावी भी पहुंच चुका है, एंड ईटीजी के साथ उनकी फाइट हो सकती है। और बिल्कुल यहाँ पे केतन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 17 सेकंड बचे हैं 15 सेकंड सर्कल अपना रूप लेना शुरू करेगा, और यहाँ पे लर्न फ्रॉम पास के स्वैग ने मेगा के फाइनल को भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है हताश करा है, और ये धीरे धीरे करके स्पॉट समाप्त होते हुए 16 स्पॉट से 10 बचे हैं। और यहाँ पे एनटीटी गेमिंग के एक्सटेंस जो हैं AKM आगे चलाते हुए, अगर इनकी बात कर रहे हैं वेस्ट हेलमेट और बैकपैक की, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा हील तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बट स्काउट जो है स्काउट करते हुए पेन ANB को, मगर यहाँ पे आगे देख रहे हैं, और टाइगर क्लैन के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी लेट गेम में भी आके यूजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूजी का जो फायर रेट है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी गन से, एंड यहाँ पे एग्जिस्टेंस यहाँ पे AKM यूज़ कर रहे हैं, उसके सामने पूरा IT का स्क्वाड है, एक या दो ग्रेनेड पूरा स्क्वाड खत्म कर सकता है अगर अच्छे दो ग्रेनेड गए तो, बट एग्जिस्टेंस ट्राई कर रहा है थोड़ा सा फॉल बैक करने की स्मोक, मगर यहाँ पे सोल के रौनक ने आशिक को नॉक आउट करते हुए, मगर एक्सटेंस अभी भागते हुए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आगे फॉलो अप करेंगे, मगर डेजा वो वहीं पे गाड़ी के साथ कवर बनाते हुए मॉर्टल ने यहाँ पे ANB को नॉकआउट करा और खत्म करके समाप्त कर दिया यहाँ पे, और देखते ही देखते एक और स्क्वाड हमारे यहाँ से जाता हुआ ORB घातक M16A4। Do you think it's the best weapon right now? M16A4 यहाँ पे बर्स्ट नहीं, मैं बोलूंगा इसके साथ अगर 6x लगाओ या 4x लगाओ सिंगल टैप बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि इसका रीसेट टाइम बहुत सही है, एंड ओवेस को यहाँ पे रेव देने की कोशिश करेंगे। रौनक जा रहे हैं वहाँ पे स्मोक बॉल बना के, एंड क्रेटोस को नॉक करा यहाँ पे ORB घातक ने। ये बिल्कुल ये जो गेम का अभी हम देख रहे हैं कि 8 स्क्वाड जीवित है, और इसमें 25 प्लेयर सारे के सारे आते हुए, और देखते ही देखते यहाँ पे मेगा स्टार जा चुके हैं घातक यहाँ पे क्रेटोस को करते हुए जो है समाप्त, और साथ ही साथ यहाँ पे परितोष नॉकआउट होते हुए टाइगर्स के कैरी से, मगर संयम यहाँ पे खड़े हुए संयम दिखा रहे हैं बिल्कुल, और यही संयम की जरूरत है, मगर यहाँ पे सोल के मॉडल गोलियां चलाते हुए ब्लेड्स को करा समाप्त, और पेन गेमिंग यहाँ से पेन रेट्रीब्यूशन, दर्द की वो जो ताकत थी वो और दर्द सह नहीं पाएंगे, वो दर्द जो है लेके जाएंगे गेम नंबर 3 पे देखेंगे उनको, बट ORB यहाँ पर खड़ी हुई किंग खड़े हैं पूरे अपने जो स्क्वाड को है बचाते हुए लेके आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ ORB का चांस लगता है यहाँ पे, बट यहाँ पे ORB एक चीज अच्छी कर रही है कि जो भी किल कर रही है उसको कंफर्म कर रही है, कुछ टीम होती है कि नॉक करके छोड़ देते हैं, बट ORB ने अभी एक नॉक करा था पूरा फिनिश करा था उसको क्रेटोस को, और यहाँ पे पैराडॉक्स ने नॉकआउट किया, मगर यहाँ थोड़े से एंगल बनाने की कोशिश एनटीटी गेमिंग के दे जा वो वहाँ पर खड़े हुए बचे हुए, मगर टेम्पेस्ट अभी भी पीछे से गोलियां चलाते हैं, और मावी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर करते हुए, पर कैरी वहाँ पर टेम्पेस्ट को फिर से गोलियां चलाते हुए एक एक करके धीरे धीरे करके स्क्वाड बाहर होते हुए, सोल के फिर से 3 प्लेयर यहाँ खड़े हुए, बट फिर से गोलियां चलते हुए लर्न फ्रॉम पास पैराडॉक्स M416 के आगे गोलियां चला रहे हैं, बट ये जो गोलियां की जो गुर्रार है मतलब ये अभी इस हिसाब से अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें ORB has a better slight chance because circle के अंदर वो लोग हैं, प्लस सर्कल के अंदर अब नहीं थे पहले, अब उनको zone के अंदर जाना है, बट यहाँ पे सोल की टीम है जो तीन टीमों को आराम से नॉक करके किल कलेक्ट कर सकती है, 20 अलाइव है अभी, एंड उनके सामने से ये तीन टीमें 10, 6 और 11 मिनी मैप अगर आप देखोगे तो, एंड मॉर्टल यहाँ पे अपनी अपने लिए कवर बना रहे हैं, एक US उसने पूरी बर्स्ट करके कवर बनाया, उसने सामने से पूरा स्क्वाड आएगा पूरा पूरी पूरी मतलब पैराडाइज है ये किल की, अब आखिरी में देखो तो, और बिल्कुल यहाँ पे जैसे जैसे करके आगे बढ़ रहे हैं घातक यहाँ पे गोली चलाते हुए, कैरी वहीं पे खड़े हैं, मगर M416 के साथ यहाँ पर आगे नॉकआउट करेंगे घातक M16A4 से आगे करते हुए पीक और 4x के साथ, मगर स्वैग वहीं पे दिलजीत भाई को नॉकआउट करते हुए, और स्वैग यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत में नॉकआउट होंगे, और पैराडॉक्स आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, मगर पैराडॉक्स को पीछे से ही खत्म कर दिया खात्मा, यहाँ LFP क्लैन निकलता हुआ, मगर सोल की टीम 11 किल कर चुकी है, 11 इंपॉर्टेंट किल, 11 पॉइंट एग्जैक्टली, और यहाँ पे वो लोग वेट करेंगे ORB के आने का, थर्ड पार्टी हो रहे हैं वहाँ पे, सोल रौनक ने वहाँ पे एक ORB नियो को नॉकडाउन करा था, एंड टाइगर का भी स्पॉट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड ORB यहाँ पे स्ट्रेट जोन में आ रहे, जो कि एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग एंगल से आपको पड़ जाता है, राइट से जाओ या तो लेफ्ट से, सोल रौनक ने यहाँ पे ORB नियो को फिनिश करा, एंड घातक भी यहाँ पे मॉडल के स्प्रे में आ सकते थे बट कवर चले गए, दैट वाज वेरी क्लोज, बट यहाँ पर गोलियां चल रही है, मावी ने यहाँ पे ORB के घातक को नॉकआउट किया, और साथ ही साथ प्रिंस ने यहाँ पे ORB के ड्रीम को नॉकआउट, खाली एक केवल मात्र प्लेयर खड़े रह गए, और किंग भी थे वो राजा भी,
एंड में अपना तख्तो ताज गिराएंगे और पांचवें नंबर की पोजीशन से एग्जिट लेती हुई यहाँ पे, मगर टाइगर अभी भी जीवित है, सोल जीवित है, ये दो इंपॉर्टेंट प्लान फिर से यहाँ पे पहुंचते हुए, और ये दोबारा से अगर इन दोनों में से कुछ चिकन डिनर लेता बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मगर यहाँ पे ओएस एनटीडी गेमिंग के देजावू को नॉकआउट करते हुए, मगर एनटीडी गेमिंग के एक्सटेंस भी वहां पर नॉकआउट होते हुए, और देखते देखते मेरे को लग रहा है एनटीडी गेमिंग के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली यहाँ पे। मेरी ख्याल से पूरा स्क्वाड फिनिश भी हो जाएगा, एक ग्रेनेड आया यहाँ पे और एक मोलोटोव आया था। सोल ओवेस यहाँ पे वो पूरे किल्स लेके गया, टाइगर मावी ने चलो वो वाले किल मावी को मिला, बट रौनक ने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो किल निकाले, और देखते हैं यहाँ पे वेट करेंगे बस सोल की एंड टाइगर्स की फाइट देखने, जो कि हमने लास्ट वाले मैच में भी देखी थी कि लाइक इनकी रेवलरी ये पूरे टूर्नामेंट में मेरे को लग रहा है चलने वाली है। एंड आईएनडी ट्रांस यहाँ पे अकेला यहाँ पे सोल के ओवेस पीछे से चार्ज करके गए और वहां पे ट्रांस को कर दिया, एग्जिट डोर दिखा दी, और अब दो सबसे बड़े मैं कहूंगा शतरंज के मोहरे यहाँ पर लड़ने वाले हैं, जो पिछली बारी एक बारी फर्स्ट आया है और यहाँ जो अब सेकंड, तो इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में वही सेम वन और टू, वही सेम लास्ट मैच वाला रिपीट हो रहा है। और काफी ज्यादा स्मोक का जो मैं कहूंगा घेरा बना दिया है, घेरा बनाने के साथ ही साथ रौनक वहां पर खड़े हुए देखते हुए विजन ले रहे हैं, मगर सिंगल टैप देते हुए थोड़ी कवरिंग फायर मॉर्टल के ताकि पीछे आ जाए उनके सहयोगी टीममेट, मगर मेरे को लग रहा है फिर से यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर फायदा होता हुआ टाइगर को, 4v3 थोड़ी सी क्लच सिचुएशन हो सकती है, और अब देखना है कि क्या कर सकते हैं मॉर्टल। यहाँ पे गाड़ी लेकर निकलते हुए दूसरी तरफ से आना चाहते हैं, कवर बना रहे हैं वहाँ पे वो, एंड सही टाइम में मॉर्टल प्रोन हुआ वरना टाइगर प्रिंस उसके लिए निकाल के जाता, और रौनक यहाँ पे गोलियां चलाते हुए अकेला बंदा बचा है, सिर्फ सोल ओवेस बचा हुआ है, एंड उसने कैरी को शायद नॉक डाउन करा, ऑलमोस्ट बच गया था, बट टाइगर फिर से एक चिकन डिनर निकाल के गई है, एंड दे आर द फेवरेट्स to win this tournament, and the kind of aggression they are showing in this tournament is like immense. Bilkul calm and composed match ke time mein, and baad mein apne aggression dikha rahe hain, the kind of play these four guys are showing that are into a screen. Kya 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 khel rahe hain, kya kha kar aaye ye sher aaj. Exactly, sher ke muh mein khoon lag gaya hai, aur jab khoon lag jaye sher ke muh mein to bas fir wo धाड़ता नहीं खा जाता है, मतलब हर किसी को कच्चा कच्चा हो पक्का हो जो भी हो बस आ गया। एग्जैक्टली मैं